तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ये दोनों गाड़ियों का आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ और परफॉर्मेंस टेस्ट दिखाने वाला हूँ। कंपैरिजन इतना है कि ये 125 सीसी है और ये 155 सीसी है। अब कंपैरिजन आप बोलेंगे 125 सीसी से आप 155 सीसी को क्यों कर रहे हैं कंपेयर। प्राइस की बात करता हूँ तो ये 170 प्लस की है और ये 167 की है। प्राइस सेम है क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा होता है तो आप कन्फ्यूज़ होते हो कौन सी बाइक लें, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पे एम टी बेस्ट रहेगी KTM RC 125 से, कॉज इसमें अच्छी पावर है। बाकी परफॉर्मेंस टेस्ट में आपको रिजल्ट मैं दिखा दूंगा लाइव। और ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है इसकी। अब एम टी की बात करें तो अगर लुक्स देख लीजिए आप, ये नेकेड है और ये फेयर्ड है। नेकेड में आप देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन लग रही है, एक निंजा समुराई की तरह। और ये देखिए मेरे भाई की अपनी अभी डेकेल्स वगैरह इसमें लगाए हुए हैं, स्टिकरिंग की हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है। आइए चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस में दोनों बाइक कैसी हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल मैंने आपको रिव्यू में बता दिया है, तो बाकी चीज़ें रिव्यू में आप चेक कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप रिव्यू में देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि दोनों बाइक में से कौन फास्ट है और कौन स्लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट और बताते हैं आपको कि ओवर प्राइस की बहुत ही बढ़िया प्राइस। तो गाइस अभी एक बात मैं कह दूं, फेयर्ड का फायदा है ना, यही सबसे बड़ा। हाँ। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो इससे बड़ी रेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हेड टू हेड थी मुझे लगता है। अब हेड टू हेड लेकिन जहां कुंदन भाई थोड़ा विंड में आ रहे थे। हाँ। तो फिर पीछे चला, ज्यादा विंड ब्लास्ट फेस करना पड़ रहा था, मुझे लगता है एडी डे एमटी कंटेंट और इनिशियल निकल जाएगी। अगर सिटी में भगाया जाए तो ये पीछे चली जाएगी आराम से, बहुत ही। और एक चीज और, यहाँ पे हम लोग को राइडर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मुझे नहीं लगता नहीं करने की जरूरत है। आपने देख लिया सामने है सब, हेड टू हेड तो। लेकिन फिर भी यार ओवर प्राइस है कि नहीं है? काफ़ी ओवर, मैं खुद कहना चाहूँगा काफ़ी ओवर प्राइस नहीं है।
KTM को अगर इसको थोड़ा कॉम्पिटेटिव बनाना था तो मार्केट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइवल्स हैं इसके अच्छे, और नो डाउट टॉप एंड अच्छा है ना, फेयर्ड और मतलब प्राइस को देखते हुए आपने जो टॉप एंड दिया अच्छा दिया, लेकिन 125 के हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। मुझे लगता है KTM ने क्या किया ना कि KTM को जो कॉस्ट कटिंग करनी थी वो नहीं की, नहीं की। अगर आप इसमें USD की जगह नॉर्मल फोक देते तो थोड़ी बाइक चीप हो जाती, बिल्कुल, और जरूरत भी नहीं थी यूज़ की इसमें यार 125cc में। अगर हाँ 125cc का आपका लिक्विड पूल दे दिया है 125 में, तो ये कुछ चीजें ज्यादा ही, बाकी जो एंथुसियास्ट है जिसको सिर्फ KTM पसंद है हाँ, उसके उनके लिए है भाई। यामाहा का जो रिफाइनमेंट और यामाहा जो पहले से चलता चला आ रहा है जैपनीज जो इंजन है उसका मतलब बात ही अलग है। तो मैं यही कहूंगा कि भाई बाइक दोनों बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि वो जीत गई अगर देखा जाए इस टॉप एंड में, इनिशियल में निकली टॉप एंड में, बहुत टाइम लगा फिर भी ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि बाइक बहुत ही परफेक्ट है यामाहा, और लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है समुराय। तो फिर चलिए चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। टिल देन राइड सेफ स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के चलिए और राइडर गियर हमेशा पहनिए। देखिए हम दोनों राइडिंग गियर पूरा पहन के यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट करने आए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।